बुड़बुड़ी, तुमने तो हमें बुद्धू ही बना दिया। कल से तुम ऑफिस जाओगी तो हम अपनी मम्मा को कैसे ढूंढेंगे? बुड़बुड़ी, हम तुम्हारे साथ जाएंगे कल ऑफिस। हाँ जाएंगे। नहीं। अरे सुची, आ गई तुम? माँ। क्यों नहीं बुड़बुड़ी, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, जाएंगे कल तुम्हारे ऑफिस में। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा। नौकरी मिल गई? हाँ। अरे वाह, जुग जुग जियो, मुझे पता था। चला जा खाना खाने। आ गई सुची बेटा। पापा, अरे आपको पता है सुची की नौकरी लग गई? अरे ये तो होना ही था, तभी तुम साथ मिठाई ले आए। पता है, बहुत बड़ी पीआर और इवेंट कंपनी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि कल से ही ज्वाइन करना है। अरे वाह, शाबाश। पहले मुंह मीठा करो। आज हमें बहुत सारा काम है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसकी फोटो कॉपी निकालनी है, और तो और वो क्या काम था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी काम का जो पोर्टफोलियो है ना, वो समझना है। बहुत भूख लग रही है हमें। बैठो बैठो। शीतल आ जाओ, खुशखबरी, आ जाओ मिठाई खा लो। पता है गोपाल, हमारी दोस्त बदल गई है, उसको नई नौकरी मिल गई है, इसलिए वो तो सिर्फ अपनी बात कर रही है, वो तो हमें लड्डू भी नहीं दे रही है। और पता है गोपाल, वो कल से रोज ऑफिस जाएगी, ऑफिस जाएगी तो नए फ्रेंड्स बनाएगी, नए फ्रेंड्स बनाएगी तो हमें भूल जाएगी, और हमें भूल जाएगी तो हम अपनी मम्मा से कैसे मिलेंगे? गोपाल, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा। वैसे हमारी भी एक दोस्त थी, दिन भर हमारे साथ ही खेलती थी, खाती थी, घूमती थी, लेकिन जब उसका कोई और दोस्त बना तो वो तो हमें भूल ही गई। हम भी बहुत उदास हैं। गोपाल, हम तुम्हें नहीं भूले हैं। पीयू, ज्यादा उम्मीद करने से निराशा होती है। पीयू, जब कभी हमारी यशोदा माँ भी ऐसी व्यस्त हो जाती थी ना, तब हम उनके आगे पीछे घूमना बंद कर देते और एक कोने में जाकर आराम से बैठ जाते थे। फिर क्या, वो 10 मिनट बाद खुद ही हमें ढूंढते ढूंढते आ जाती थी। अच्छा, माने अटेंशन चाहिए तो इग्नोर करो। हमें तो कोई अटेंशन ही नहीं देता है इस घर में। क्या हो गया तुम्हें? हम प्रेग्नेंट है ना, तो हर चीज तो हमारी पसंद का होना चाहिए ना। शीतल, सुची की आज नौकरी लगी है। अच्छा, तो उसकी नौकरी लगी है, अब वो पैसे कमाने लगी है। मतलब अगर वो पैसे कमाने लग गई है तो उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी क्या? अरे तो तुम हमें बताओ ना, तुम्हें क्या खाना है? क्या बात है, बहुत मेहरबान हो रहे हैं। क्योंकि हमने आज एक आर्टिकल में पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऐसे में हमें तुम्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए। अगर ये बात है ना, तो भगवान करे कि हम हमेशा ही प्रेग्नेंट रहे। अभी बुलबुल आएगी ना, अपने हाथों से हमें खाना खिलाएगी, पर फिर भी हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम बोल देंगे बुलबुली को कि हमें ऑफिस ले चलो तो ही हम खाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं, वो तो हमने अपडेट कर ही दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कि हम ऐसे ही मेल कर दें? जॉब प्रोफाइल तो हमें समझ आ गया है, लेकिन डिटेल्स अब तक नहीं मिली हमें। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी नोट डाउन कर लेते हैं। अरे बुड़बुड़ी, नहीं पीयू, याद है ना? पर गोपाल, मुझे तो भूख लगी है। ऊपर अभी के लिए खा ले। हाँ, एक बार खा लेते हैं, हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। पर पीयू, एक बार खा लेते हैं, हैं? वन सेकेंड ना राखी। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। हम तुम्हें कॉल करते हैं। गुलगुली, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी 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 सॉरी। अरे हमने तुम्हें नहीं
नहीं मारा था, वो पेन उसका इंक नहीं चल रहा था ना, तो हमने आई मीन उसको वो पेन नहीं चल रही थी ना, इसलिए सॉरी। बताओ बताओ पूरी देखो अभी ठीक हो जाएगा। अरे प्रियो क्या हुआ, रुको क्यों रो रही हो? बताए गोपाल कुलबुरी थे ना, कुलबुरी ने उस मोटे गुब्बारे को किस किया है, हग भी किया है, और तुम हंस रहे हो। हमारा कोई दोस्त नहीं है पिस्ते, हमारा कोई दोस्त नहीं है। पियू सुनो मेरी बात, सुनो पियू, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, और ऐसी कोई बात नहीं है पियू, कल सोची के लिए बहुत बड़ा दिन है पियू, बहुत परेशान है। अच्छा वो परेशान है, वो परेशान है ना, अब जाओ तुम इसके साथ, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम अच्छे चले जाओ, हमें किसी से बात नहीं करनी। मम्मा आप कहाँ हो, पिस्ते हमारा कोई नहीं है। अरे अरे पियू मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ बुद्धू, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? अरे हम तो शाम से रो रहे थे, तुमने अभी देखा? सॉरी हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम जाओ ना तुम्हारे प्यारे गुलगुल के पास, उसको जाकर हग करो, किस करो, और तुम ऑफिस जाकर नए नए फ्रेंड्स बनाओ, उन लोग को मिठाई खिलाओ, जाओ। सॉरी ये बात है, हमारी बूतू इसलिए नाराज है? हाँ तुम सब लोग जिंदा हो, तुम लोग कितने खुश हो। बुड़बुड़ी हमसे क्या गलती हो गई, हम क्यों मर गए? बुड़बुड़ी बताओ ना क्यों मर गए, हम सिर्फ अपने पापा से मिलना चाहते हैं, और पापा को एक बार हग कर चाहते, सिर्फ एक बार। बुड़बुड़ी हम तो बच्चे हैं ना, हम अपने पापा को कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे अकेला? बुड़बुड़ी अगर तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं भूतू ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें ऑफिस इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत काम होगा, बहुत बिजी होंगे ना हम, तुम तो पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारे ऑफिस थोड़ी ना आने वाली है। लेकिन हाँ तुम्हारी मम्मा इस घर में जरूर आ सकती है। अब जरा सोचो हम भी नहीं होंगे, तुम भी नहीं होगी, तो तुम्हारी मम्मा ऐसे ही वापस चली जाएंगे ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम ना ऑफिस आते जाते तुम्हारी मम्मा को ढूंढेंगे, पियू की मम्मा कौन है, पियू की मम्मा कौन है, ऐसे करके फिर देखना तुम्हारी मम्मा हमें जरूर मिल जाएगी, और तुम यहाँ पर रहकर उनका इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। चलो अब बहुत रात हो गई, हम सो जाते हैं, कल हमें भी बहुत काम है, ओके आओ। चलो आ जाओ अब सो जाते हैं, ठीक है, हम कल तुम्हारी मम्मा को ढूंढेंगे। बुलबुली हम ऐसे नहीं सोते। तो फिर कैसे सोते हैं? जब हमें नींद नहीं आती तब हमारी मम्मा में लोरी सुनाती थी, अब हमें नींद नहीं आ रही, हम लोरी सुना। तो हम लोरी आ सुनाओ ना। ल
लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 लकड़ी की मम्मा तुम्हें लोरी का क्या सुलाती थी, तुम तो मैं जगा रही हो। सो सॉरी भूतू, हमने तो कहा ना, एक्चुअली हम इससे पहले किसी को लोरी नहीं सुनाए हैं। अच्छा दी, अब हम तुम्हें लोरी का क्या सुनाते हैं। तुम गाओगी? हाँ, तुम लेट जाओ। इसमें नहीं, हमारा पिलो है मम्मा वाला। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है चलो तुम इस पे लेट जाओ, हम इस येलो वाले तकिए पे लेट जाते हैं। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राह है, मेरा घर है तेरे बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमान। मैं तेरी शुकाल। माँ, माँ हम जा रहे। अरे ये तो लो पहले, हम तुम्हारे लिए दही मिश्री लाए, तुम्हारा आज दिन शुभ जाएगा। अति शुभ रहे, अति शुभ रहे। अरे मोरी मैया, आज से ना हम भी अपना मेहंदी का बिजनेस फिर से शुरू कर रहे हैं। काश हमें भी कोई दही मिश्री खिला देता। हाय राम, हम तो ये तुम्हारे लिए लाए हैं, खूब तरक्की कर लो। क्या ये कहा है ना, हमने ना मिश्री की जगह ना पिटकरी डाले। हाँ कैसा लगा? खुद ही खा लीजिए, हमारा मतलब है लगा लीजिए। हाय राम, अरे शीतल ये कैसे लगाते हैं बताओ तो शीतल। ये तो अभी तक सो रही है, क्या करे, इसे उठाए या नहीं। टाइम टू गो भूतू, सोचो सोचो, बाय। ऑल द बेस्ट जी, संभल कर जाना। क्या हो गया? अबे इडियट, दिखता नहीं है, खाली रोड है फिर भी हमारी गाड़ी ठोक दी। पागल, स्टार्ट हो गई। अरे एक्सक्यूज मी, रुकिए। ये फिर जी
Exactly. Karmas. This time you have to pay for the damage. ठीक है, तो आप 100 बार उठक बैठक कीजिए, सॉरी बोल दीजिए, हम आपके डैमेजेस आपके मुंह पे फेंक मारेंगे। बड़ी बदतमीज हैं आप। आप जैसों के लिए हम ऐसे ही हैं। आप जैसे लोगों से मतलब आपका? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आपसे कह रहे हैं गाड़ी चलाने तो आती नहीं, लेकिन फिर भी सड़क पे निकल पड़ते हैं, और वो भी फुल स्पीड में, अगल बगल देखते नहीं है, बस किसी की भी गाड़ी ठोक दी बस। इन्हें कहते हैं। दो बार तो टकरा चुके हो, तीसरी बार ना नजर नहीं आना हमें। Excuse me, get lost and have a bad day. You too. सुबह सकाल बुड़बुड़ी, सुबह सकाल मिस्टी। बुड़बुड़ी, तुम कहाँ हो? बुड़बुड़ी, गोपाल, गोपाल, बताओ ना बुड़बुड़ी कहाँ है? बताओ ना। वो क्या है जो सोफे के पीछे? वो सोफे के पीछे? ये बुड़बुड़ी ही होगी। बाबा, वो तो यहाँ भी नहीं है। ऊपर, ऊपर कहाँ है? बताओ ना। वहाँ नहीं है, तो शायद ऊपर होगी। या शायद उस टेबल के नीचे। या ऊपर। बुलबुल ऑफिस चली गई ना? जब तुम सो रही थी, तो उसने तुम्हारे लिए बहुत देर इंतजार किया, लेकिन तुम उठी नहीं। इसलिए वो तुम्हें प्यार से सहलाकर चली गई। कितना धूल है। अरे सुमन आंटी, इसको भी साफ कर दीजिए ना, ये बहुत गंदा हो गया है। आज के बुक्स को भी, ये पेटी तो स्पेशल है। थैंक यू आंटी, इसको साफ करने के लिए, क्योंकि ये हमारा पिलो है ना, इस पे ही सोते थे। हाय राम, हमने गोपाल जी की मूर्ति तो साफ ही नहीं की। सुचि की शादी का तो पता नहीं, पर ये कमरा हम उससे छीन कर ही रहेंगे। अरे अरे जल कुफरी, ये हमारा पिलो है, रुक जाओ। Nothing is left. Very good. Hi, I'm Suchi. आज हमारा पहला दिन। और आज ही आप फर्स्ट डे पे लेट? नहीं, हम सिर्फ 10 मिनट लेट हैं। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। आपको पता है आपका कंप्यूटर ऑन होने से पहले आपका फोन बजने वाला है। हेलो। एक्सप्लेन। सॉरी। बॉस है। ओह हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। I said explain. Explain what? Oh, हम क्यों लेट हुए? Actually sir, हम जब आ रहे थे ना तो रास्ते में से। Shut up and listen to me. मैं सोची ये हमारा ऑफिस है, कोई होटल नहीं। दूसरी चीज, जब आप ये ऑफिस ज्वाइन कर रही तब आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए गए। और एक और बात, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि आपने आज से पहले कहाँ काम किए और क्या काम किए। अब आप यहाँ काम कर रहे हैं, वैसे आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन तो खराब कर ही दिया। आई होप इट डजंट हैपन अगेन। मिस सुची, कम से कम आप सॉरी तो बोल ही सकती हैं। सॉरी। सॉरी व्हाट? सॉरी सर। सो
एक्चुअली हम हेलो हेलो मैडम आपको सर बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। एक मिनट सुनिए, यहाँ पे सब लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फोन पे उन्हीं से बात कर रहे थे, कह सकते थे हमसे कि आ जाइए कैबिन में, आपको भेजने की क्या जरूरत थी। ठीक है आप जाइए, हम जा रहे हैं। Excuse me?